हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं नीता और आपके अपने चैनल इशिताज क्रिएटिव कॉर्नर पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हमने बालकनी डेकोरेशन के लिए कुछ DIY किए हैं, जो कि बाल पुट्टी से हमने किए हैं और साथ में इस तरह से कार्डबोर्ड लिया हुआ है। तो इधर पर हमने जो लीव्स का एक शेप काट लिया था, तो इस तरह से हमने देखिए कट करके इनको रख लिया है। और इसके बाद बाल पुट्टी ली है और उसमें हमने लिया है पानी, और इसमें पानी को धीरे धीरे डालते हुए इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। और बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनाना है। इस तरह से हम पेस्ट की कंसिस्टेंसी जो है तो कुछ इस तरह से रखेंगे। और इसके बाद जो हमने लीव्स का शेप कट किया था, तो उसके ऊपर इस तरह से हम बाल पुट्टी को लगा देंगे और बहुत हल्के हाथ से इसमें पानी लगाते हुए उसको बिल्कुल चिकना कर देंगे। और इसमें ना हमने डबल लीव्स काट के लगाई हैं, सिंगल ली है और उसके ऊपर बिल्कुल हमने दूसरी तरफ भी इसी तरह से बाल पुट्टी लगा दी थी। बिल्कुल पतली सी हमने ये जो लीव्स का शेप है उनको बनाया है, और इनके चारों तरफ हमने टेप वगैरह कुछ नहीं लगाया था, लेकिन इनमें फिनिशिंग जो है तो काफ़ी अच्छी आई थी। ऊपर इसमें सिलाई से हमने होल कर दिए थे और इधर पर सैंड पेपर से हमने इसको अच्छे से घिसकर बिल्कुल चिकना कर दिया था। और उसके बाद आप एक ब्रश लेके उसके ऊपर जो भी डस्ट वगैरह है, पाउडर से जो निकलता है, तो उसको हमको अलग कर देना है। अब इसके बाद देखिए आपकी मन में जो भी कलर आ रहे हैं, जो भी आप अपनी थीम के अनुसार रखना चाहते हैं, तो उन कलर को आप रख सकते हैं। तो इधर पर हमने ब्राउन, ब्लैक, येलो, ग्रीन इस तरह से कलर किए हुए थे। तो देखिए इधर पर सारी ही लिप्स जो हैं तो बनके तैयार हो गई थी। अब इनके ऊपर हमको पेंट डिज़ाइन बनानी थी, तो इधर पर हमने गोल्डन कलर लिया है और इस तरह से सारी ही पत्तियों पे हमने अलग अलग डिज़ाइन बनाए हुए थे और काफ़ी अच्छे लग रहे थे बनने के बाद। तो इस तरह से देखिए हर लिप्स पे अलग हमने डिज़ाइन बनाई हुई है और सब पे ही हमने गोल्डन कलर किया है। तो इस तरह से बाल पुट्टी जो है तो हमको मार्केट में काफ़ी सस्ती मिल जाती है, और एक बार लाने पे हम उससे काफ़ी चीज़ें जो हैं तो तैयार कर सकते हैं। तो बहुत ही कम बजट में आप इस तरह से अपने बालकनी डेकोरेशन के लिए कुछ भी बना सकते हैं। तो देखिए इधर पर ये एक वॉल हैंगिंग हमने बना के तैयार की थी। तो इस तरह से देखिए सारे पे हमने डिज़ाइन बना लिया था, और इसके बाद हमने जो इस तरह से इसको रख लिया था देखिए, और साथ में एक ली थी डंडी, और बस इसमें इस तरह से ऊन या धागा जो कुछ भी आपके पास हो तो इस तरह से इसमें सिंपल नॉट लगाते हुए, और जिस शेप में भी आपको इसको रखना है तो उसमें आप इस तरह से बिल्कुल सिंपल सी नॉट लगा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए बहुत ही खूबसूरत सा एक आपका वॉल हैंगिंग बन के तैयार हो जाएगा। चाहे तो आप इसको बालकनी में टांगिए या कहीं पर भी आप इसको लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा ये लगेगा। और जो दूसरा DIY है तो उसमें हमने बर्ड्स बनाई हुई हैं, जो कि बिल्कुल सेम यही इसमें बाल पुट्टी का यूज़ किया है, और इस तरह से हमने इसका शेप दे दिया था। और ये एक मिठाई का डिब्बा था जिसके ऊपर हमने ये कट किया था। तो हमने इसमें चार चिड़िया का शेप जो है तो वो काटा हुआ था इस तरह से, और इसके ऊपर भी हमने बॉल पुट्टी लगाकर और फिर इसको भी हमने एक डंडी लेके और उसमें सेट कर दिया था। ये सब चीज़ें जो अपन बनाते हैं तो ये बालकनी डेकोरेशन के लिए काफ़ी अच्छी लगती हैं। और इसमें हमने जो इन पे कलर किया था तो काफ़ी कलरफुल किया हुआ है, काफ़ी ब्राइट कलर इसमें हमने डाले थे। तो इस तरह से देखिए एक बार यदि आप बाल पुट्टी का पेस्ट बनाते हैं तो आप उससे कई सारी चीज़ें एक बार में बना सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि उतना ही बाल पुट्टी को आप पेस्ट बनाइए जितना कि आपको ज़रूरत है, नहीं तो फिर ये सूख जाता है और ये टाइट हो जाता है, जिसके कारण कि बाल पुट्टी बेकार हो जाती है। तो इस तरह से देखिए इधर पर भी हमने इसको सैंड पेपर से इस तरह से घिस के और ब्रश की सहायता से इसका जितना भी पाउडर वगैरह था तो उसको हमने निकाल दिया था। ब्रश से इस तरह से पाउडर जब पूरा निकाल देते हैं तो इसमें जब हम कलर करते हैं तो वो बहुत अच्छे से आ जाते हैं।
आप देख सकते हैं कि दूसरा DIY हमारा बनके तैयार हो गया था। और जो तीसरा DIY है तो उसमें भी इस तरह से हमने एक सर्कल बना लिया था और उसमें भी हमने इस तरह से बाल पुट्टी जो है तो इसको लगा दिया था। इसमें आप चाहें तो डबल सर्कल काट के और एक दूसरे पे चिपका के तब भी बना सकते हैं। और हमने इधर पर बिल्कुल इस तरह से इस पर बाल पुट्टी लगा दी थी और ऊपर से इस तरह से देखिए कुछ इस तरह से डिज़ाइन बना दी थी, जिसके कारण कि ये काफ़ी नेचुरल लग रहा था और काफ़ी अच्छा लग रहा था। और इसके बाद इस पे जो हमने कलर किया था वो एक्रेलिक कलर था, तो इस पे आप कुछ भी लिख सकते हैं या कोई भी डिज़ाइन जो है तो इस पे आप बना सकते हैं। आप कलर से भी इसको पेंट कर सकते हैं या कोई भी आपके पास फ्लावर वगैरह आर्टिफिशियल डले हुए हैं तो उनको लगा कर और आप कुछ भी लिख सकते हैं, जिससे कि एक जो आप अपने बालकनी में जब इसको लगाएंगे तो ये काफ़ी खूबसूरत लगेगा। पीछे की तरफ ऊन से हमने एक लूप बना के और टेप से और ग्लू गन से इसको चिपका दिया था, जिसके कारण कि ये हैंग करने के लिए बन गया था। तो देखिए इधर पर बहुत ही खूबसूरत सा एक जो हमारा वॉल हैंगिंग है वो फिर से तैयार हो गया है और इसको आप अपने बालकनी में आराम से टांग सकते हैं, उसको सुंदर बना सकते हैं। इधर पर आप देख सकते हैं कि ये एक मटकी थी जिसको कि पहले हमने कुछ दूसरी तरह से यूज़ किया था, फिर इस पर देखिए हमने इस तरह से, ये बहुत ही बनाने में आसान है और काफ़ी खूबसूरत ये देखने में लगता है। तो देखिए इतना बाल पुट्टी जो है तो हमारा बच गया था, तो इस तरह से पूरे पे हमने बाल पुट्टी लगा दिया था और ऊपर से जो मिरर थे तो इनको आप लगा दीजिए और ये बहुत अच्छे से लग जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं गिरते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी शेप का जो है तो मिरर इस पे लगा सकते हैं और इसको एक फ्लावर वास की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब बताना आपको है, बारी आपकी है कि आज का हमारा वीडियो कैसा लगा और जो भी DIY हमने किए हैं तो उसमें आपको कौन सा DIY सबसे अच्छा लगा है। यदि कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और साथ में सब्सक्राइब करिएगा, बेल बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे कि हमारे वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है तो वो समय समय पर आपको मिलती रहेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू।